महिलाओं ने दूरी बनाकर की गणगौर की पूजा मास्क पहनकर बैठे पूजा में। कोरोना वायरस के चलते सभी त्योहारों पर इस साल असर देखने को मिला। पहले चेटीचंड, महावीर जयंती, रामनवमी पर होने वाले आयोजनों को रद्द किया गया। वहीं आज गणगौर के मौके पर महिलाओं ने घरों में पूजा की और सारी महिलाएं गणगौर की पूजा में मुंह पर मास्क पहनकर बैठी रहीं, साथ ही एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी बनाए रखी। महिलाओं ने मीडिया के माध्यम से आम जनता से अपील की है कि वे अपने घरों में रहें और अपने हाथों को धोएं और साथ ही मास्क का उपयोग करें। प्रधानमंत्री मोदी की गई बातों की पालना करें ताकि हम सब सुरक्षित रहें। हम किस चीज की पूजा की जा रही है और आपने किस तरह के साथ पूजा की है? आज कोरोना वायरस के कारण हमने सबने मास्क पहना है और ना अपने आसपास दूरी बनाई हुई दूरी बना के और फिर बैठे और उस तरीके से पूजा की है। आज गणगौर है, गणगौर की पूजा की जाती है, वो अपने सुहाग के लिए की जाती है पूजा। इसमें कहानी सुनी जाती है और गीत गाए जाते हैं, वैसे ही बहुत धूमधाम से, और उद्यापन भी किया जाता है, लेकिन इस कारण उद्यापन भी काफ़ी कैंसिल हो चुके हैं और ये अपने स्वागत के लिए की जाती है। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है हम उनके साथ हैं, और वैसे ही हमने गणगौर की पूजा करी है, 1 मीटर का स्पेस बना के, और हमने गणगौर जी को मनाया है और हमने गणगौर जी की पूजा उसी प्रकार की है कि हम जनता कर्फ्यू का पालन करते हुए घर में रहकर हम गणगौर जी की पूजा कर रहे हैं और 1 मीटर का स्पेस बनाकर गणगौर जी की पूजा करी है और मास्क पहन के। और जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं या बाहर जाते हैं तो आकर हम किसी भी वस्तु को बिना छुए पहले हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग करके ही हम किसी वस्तु के हाथ लगाते हैं। बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखें और जनता कर्फ्यू का पालन करें, घर में रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।